एक बार और कोशिश करने वालों की हमेशा सफलता मिलती है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के अटेसिक्स में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। आपको बता दें दोस्तों कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है आंगनबाड़ी के सेवाओं के लिए, जी हाँ लेडी सुपरवाइजर की, उसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कमेंट बॉक्स में मुझे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और खुद का रजिस्ट्रेशन खुद के कंप्यूटर या लैपटॉप से करें, ठीक है। मोबाइल से भी कर सकते हैं, वो डिटेल मैं आपको दे सकता हूँ मोबाइल से भी करने का। पर जो सबसे प्रॉब्लम वाली चीज़ आ रही थी मोबाइल से करने में कि उनका जो वेबसाइट है वो ओपन हो रहा है ब्राउज़र पे, और ये मोबाइल से भी कर सकते हैं आप डेस्कटॉप साइट को ओपन करके। पर दूसरी चीज़ें क्या है यहाँ पे कि आप अपने मोबाइल से तो करेंगे पर फोटो और सिग्नेचर का जब स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना होगा तो वो मोबाइल में बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं ये सारा डिटेल जो है आपको ऑनलाइन करके बता रहा हूँ कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, कैसे करना है अप्लाई, इस वीडियो को देखिएगा अंत तक। नोटिफिकेशन मैंने आपको पहले ही दे दिया है लेडी सुपरवाइजर के लिए, और ये बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर क्या शादीशुदा महिलाएं या फिर जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं क्या, ये बहुत सारे कमेंट थे इसके बारे में। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो सुपरवाइजर के लेडी सुपरवाइजर का पोस्ट है उसके लिए जो अनमैरिड गर्ल्स है वो भी अप्लाई कर सकती हैं और जो मैरिड गर्ल हैं वो भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। अब क्लियर हो चुका है, अब आगे देखते हैं कैसे करना है अप्लाई। अब पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि कारण क्या है कि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे जहां पर आप लोग गड़बड़ कर सकते हैं और फॉर्म भरने का आपको सिर्फ एक चांस मिलेगा। गलती कीजिए तो फिर से आपको एक ईमेल आईडी अपना नया मोबाइल नंबर यहां पे अपडेट करना होगा, ओके। और अपना ध्यान से देखिएगा सारा डिटेल कैसे कैसे भरना, कोई गड़बड़ी नहीं कीजिएगा, और गड़बड़ भी होता है तो ध्यान से पहले एक रफ कोई कागज पे लिख लीजिए सारा डिटेल और उसके बाद अपना सारा यहां पे फॉर्म भरिएगा, ओके। तो ये पेज ओपन कर लीजिएगा, सबसे पहले आप लोग यहां पे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज यानी कि ये ICDS के तहत निकाली गई वैकेंसी है दोस्तों। आपको मैंने बताया भी था कि ICDS के रिक्रूटमेंट के तहत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया लेडी सुपरवाइजर का। तो चलिए अब हम इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे करना है अप्लाई इसके बारे में सारा डिटेल आपको बताएंगे। तो यहां पे देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये जो डिटेल है यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्टर, यहां से भी क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं या फिर अप्लाई लिंक का यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं थोड़ा सा जूम इन कर दे रहा हूं इस चीज को। देखिए ये देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे इस चीज को, तो यहाँ पे इस चीज को आप जूम इन करके भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्लिक हियर टू रजिस्टर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा या फिर यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर सकते हैं, ओके। तो ये डिटेल है यहाँ पे सारा का सारा। अब आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और खुद का रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए रजिस्ट्रेशन करते हैं सारी चीजों का यहाँ पे। तो पहले क्लिक करूंगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप जूम इन हटा दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करूंगा और ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जहां से आप अपनी सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं सबसे पहले आपको चीज बताऊंगा कि यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये लेडी सुपरवाइजर का ही एक लिंक आ रहा है यहाँ पे, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है अपना नाम। चलिए सपोज मैं एक कैंडिडेट का यहाँ फॉर्म भर रहा हूँ जिनका नाम है रेखा यादव। देखिए रेखा सिंह है एक्चुअली नाम इनका, सिंह यादव है ये, तो इनका नाम मैंने रखा यहाँ पे रेखा सिंह, ओके। फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, अगर अनमैरिड हैं तो आप यहाँ पे अपने फादर का नाम डालिएगा, और हस्बैंड अगर हैं आपके मतलब शादीशुदा हैं तो हस्बैंड के नाम डालिएगा, ओके। और जो कैंडिडेट जो मतलब विधवा हैं उनके लिए भी यह ऑप्शन है, क्योंकि वो अगर उनके हस्बैंड नहीं है और फादर भी नहीं है तो वो घर में किसी के एक पेरेंट्स का नाम डाल सकती हैं या फिर अपने ससुर जी का नाम डाल सकती हैं लेट करके, जो भी उनके ससुर अगर नहीं भी हैं या फादर नहीं भी हैं या हस्बैंड नहीं भी हैं तो लेट करके उनका नाम डाल सकते हैं यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे इनके हैं हस्बैंड यहाँ पे मिस्टर चलिए तो ये नाम है इनका, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है इनका ये देखिए मैं डालता हूँ, सब कुछ क्लियर कीजिएगा आप एक बार देख लीजिए सारा चीज़, डेट ऑफ बर्थ डालना है। अगर ये हैंडीकैप्ड हैं आप लोग तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अन्यथा इसको हटा दीजिएगा। ये क्लिक करने के बाद यहाँ अपडेट ले लेगा, एक बार रिफ्रेश होगा आपका पूरा पेज, इसको हटा दीजिएगा तो रिफ्रेश होगा। चलिए जेंडर जो है ये फीमेल ही डालना है आपको, ये दो ही ऑप्शन दिया है फीमेल और ट्रांसजेंडर, तो ट्रांसजेंडर वाली महिलाएँ भी यहाँ पर जो है कि अप्लाई कर सकते हैं कर सकती हैं, ओके। फीमेल पे क्लिक करना है आपको। कैटेगरी जो है दोस्तों अगर आप हैं जनरल में तो जनरल क्लिक कीजिएगा,
अन्यथा ईबीसी का है तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह सारा कुछ देना पड़ेगा, ईबीसी का या बीसी का या एसएसटी का या ईडब्ल्यूएस अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं, और इकर वीक सर्विस के तहत आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, तो यहाँ पे इसको क्लिक करके आपको सर्टिफिकेट देना होगा, आपको बता देना। तो जनरल कैटेगरी से इसको क्लिक करते हैं हम लोग यहाँ पे, चलिए ग्रैंड माफ कीजिएगा जनरल नहीं ईबीसी है ये, ओके यहाँ पे ईबीसी क्लिक करते हैं इनका, चलिए ग्रैंड चिल्ड्रन फॉर फ्रीडम फाइटर, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग यस, तो ये रिफ्रेश होगा एक बार, अन्यथा नो पे क्लिक कर दीजिएगा अगर आप नहीं है तो, ओके। ईमेल आईडी इनका एक आपका खुद का डालना होगा, मोबाइल नंबर खुद का डालना होगा, जो चीज़ें आपको मैं बता दूं कि आपके होने चाहिए मतलब आप ही के वही यहाँ पे डालिएगा। उसके अलावा यहाँ पे पासवर्ड आपको खुद से क्रिएट करना है, इस चीज़ को देखिएगा यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा नोटिस कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये पासवर्ड जो है आपका खुद का क्रिएट करना होगा, और ऐसा पासवर्ड बनाइएगा जैसे कि वो थोड़ा सा स्ट्रांग पासवर्ड हो, जैसे कि मान लीजिए अगर इन्होंने अपने नाम से डाला तो कैपिटल अगर नाम डाला आर, तो बाकी सब स्मॉल डाल देंगे, फिर उसके बाद एट द रेट करके 1 2 3 ऐसा कुछ भी डाल सकते हैं, इनके ऊपर है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये जो कैप्चा दिया हुआ है दोस्तों, इस कैप्चे को इसमें डालना है आपको, ठीक है, इन चार कैप्चे को यहाँ डालना है, फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है और ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल, उसके बाद आपका और भी डिटेल है, मैं आपको बताता हूँ करके, पहले ये पेज को मैं भर देता हूँ। चलिए तो ये मैंने यहाँ पे सारा चीज़ डिटेल इनका डाल दिया है दोस्तों। डिटेल डालने के बाद इस पर मैं क्लिक करूँगा किस पे, तो रजिस्टर पे। तो जैसे रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, ये आपको एक मैसेज दे देगा यहाँ पे दोस्तों, जो कि आपका जो यूज़र आईडी है यहाँ पे और आपका पासवर्ड है यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा और आपका हो जाएगा। पर सबसे इम्पॉर्टेंट काम आपको क्या करना है यहाँ पे, तो प्रिंट पे क्लिक करके यहाँ आपको प्रिंट कर लेना है इसका, और देन इसको क्लिक हियर टू कंटिन्यू करना है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, अगर प्रिंट नहीं किया है तो प्रिंट कर लीजिएगा और क्लिक हियर पे फिर कंटिन्यू कीजिएगा, तब जाके आगे बढ़िएगा, ओके। तो चलिए इतना काम कर लीजिएगा आप, ओके। अब आगे देखते हैं, जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, क्लिक हियर कंटिन्यू पे, ये आपको लॉगिन पेज दे देगा यहाँ पे, और इस लॉगिन पेज पे फिर से अपना ईमेल जो माफ़ कीजिएगा जो आपका यूज़र आईडी दिया है और आपका जो पासवर्ड क्रिएट किए थे वो, और इस कैप्चे को, जी हाँ दोस्तों, इस कैप्चे को डाल के यहाँ पे और आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपसे आपके उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपका ओटीपी जनरेट करेगा आपके मोबाइल नंबर डाले हुए पे। तो ये जो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ था आपने, उस मोबाइल नंबर पे ध्यान से देखिएगा, एक ओटीपी आएगा जो कि आपका मोबाइल नंबर यहाँ रजिस्टर करने वाला है ये, ओके। तो चलिए देखते हैं ये आखिर जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके यहाँ पे, ओके, ओटीपी हैज बीन सेंट ऑन रजिस्टर मोबाइल, ओके कीजिएगा। यहाँ पे एक मैसेज आ गया आपके मोबाइल पे, अब इस मैसेज को यहाँ पे डाल दीजिएगा, जो भी मैसेज आया आपका, जैसे 6233 इनका मैसेज आया था, ठीक है। तो ये मैंने वेरीफाई कर दिया यहाँ पे इनको, और इनका मोबाइल हो गया वेरीफाई। अब आपको ये उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, जो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस अगर हैं तो, और या अपलोड फोटो सिग्नेचर, और यहाँ पे वैलिडेट करना है ईमेल आईडी को फिर उसके बाद, और फाइनलाइज कर देना है। तो चलिए अब ये सारे प्रोसेस को करके दिखलाता हूँ मैं आपको, पर्सनल डिटेल पे अब ले चलता हूँ। देखिए ग्रीन हो गया यहाँ पे, अब पर्सनल डिटेल अब यहाँ पे भरे जाएंगे, जो कि आपसे आगे मैं बताता हूँ इसको फिल करके। इस पर्सनल डिटेल में सारे डिटेल आपको फिल आउट करना है दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाइड किया था, आपका नाम क्या है, आपके हस्बैंड या फादर नेम का नाम क्या है, मदर्स नेम क्या है यहाँ पे भरना है, जेंडर्स क्या आपने डाला था वो तो है ही यहाँ पे, जो भी मैरिटल स्टेटस यस और नो कर लीजिएगा, अगर है तो ठीक है, नहीं तो नो कर लीजिएगा, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो भी कीजिएगा, उसके अलावा यहाँ पे नो कर दीजिएगा। बाकी सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस वगैरह सब कुछ भरना है, अगर आपके पास एड्रेस है यहाँ पे परमानेंट तो यहाँ पे यस कीजिएगा, और होम डिस्ट्रिक्ट पे आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइएगा, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, नेशनलिटी जो है आपकी इंडियन होगी यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन मार्क एक देना होगा आपके चेहरे पे या फिर हाथ पे कहीं भी, जो कि आसानी से दिखाया जा सके, अगर ऐसा है तो यहाँ पे जरूर दीजिएगा क्योंकि स्टार मार्क दिया हुआ है। उसके अलावा जो है यहाँ पे रेफरेंस ऑफ नोन पर्सन, किसी एक पर्सन का नाम बताना है यहाँ पे जो कि आपके फैमिली से नहीं हो और वो आपको 6 महीने से एटलीस्ट जानता हो, और ये 2 लोगों का नाम यहाँ देना है, एक और एक 2, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और ये दोनों लोगों का नाम यहाँ पे भरना है आपको, ओके। अब उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे बता दूँ कि इफ़ एनी क्रिमिनल, अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह है तो यस कर दीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके, अन्यथा नो कर लीजिएगा।
आर यू एम्प्लॉय फॉर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, तो यहाँ पे नो कर लीजिएगा अगर आप नहीं हैं तो, अगर हाँ हैं तो आप अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म के लिए तो यस कर लीजिएगा, ओके। तो ये सारी डिटेल जो है यहाँ पे जो दी गई है परमानेंट डिटेल्स, ये आपको मैं फिल कर देता हूँ और आपको फिर यहाँ गो टू होम कर दूंगा। ये जैसे ही गो टू सेव करना होगा पहले आपको, फिर गो टू होम करना होगा। जैसे ही गो टू होम कीजिएगा ये फिर से आपको उसी पेज पे ले जाएगा जहाँ पे सारे डिटेल्स के द्वारा आपको बताया गया था, जो जो कि लास्ट पेज पे मैंने आपको दिखलाया था, ओके। दोस्तों इनका सारा डिटेल यहाँ फिल आउट करने के बाद आपको नीचे जाके यहाँ पे सेव पे क्लिक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा पर्सनल डिटेल, और ओके कर दीजिएगा। अगर कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ कि पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, जैसे लिखा है तो नॉट सक्सेसफुली सेव लिखेगा अगर कोई चीज़ आप यहाँ पे छोड़ते हैं तो, ओके। ये आपका अपडेट हो चुका है, आप सेव कर चुके हैं। देन आपको गो टू होम पे क्लिक करना होगा। गो टू होम पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपको फिर से उसी पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपका डिटेल्स का लिस्ट बना हुआ है, ओके। यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है अब आपको, तो यहाँ पे आप क्लिक करना होगा। चलिए तो क्वालिफिकेशन डिटेल मैं डालता हूँ, बताता हूँ आपको कि मैट्रिक कम से कम होने चाहिए आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और दूसरी चीज़ इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो भी आप यहाँ पे अपने डिटेल भर सकते हैं, ओके। टोटल एजुकेशन पॉइंट आपको मिलेंगे यहाँ पे, सारा बता दिया जाएगा जैसे ही आप फिल कीजिएगा, उसके बाद सेव कीजिएगा, फिर गो टू होम कीजिएगा, ओके। तो चलिए इस लिस्ट को भी मैं भरता हूँ। जैसे ही आप इनका सारा डिटेल यहाँ भर दीजिएगा, या आप ग्रेजुएशन तक इन्होंने कोर्स किया है, तो भरने के बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट एंड सेव कर दीजिएगा यहाँ पे, ओके। तो जैसे ही सेव कीजिएगा ये आपका एक क्वालिफिकेशन का डिटेल आ जाएगा कि सेव हो गया है, ओके पे क्लिक कीजिएगा, नीचे आपको एक मैसेज दे दिया जाएगा एजुकेशन डिटेल इज सेव्ड सक्सेसफुली। फिर से अब आपको, और ये आपका रोस्टर नंबर बन जाएगा, टोटल एजुकेशन पॉइंट मिल जाएगा 75.78% इनका बन चुका है, ओके। अब देखिए यहाँ पे गो टू होम पे क्लिक करेंगे, जैसे ही गो टू होम पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे ये आपका तीनों का तीनों ग्रीन हो जाएगा, ओके। अब आपका एक्सपीरियंस डिटेल मांगा जाएगा, ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है आपको और यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे अगर आप किसी भी फील्ड से हैं, ग्रेजुएशन मतलब एक्सपीरियंस किए हुए हैं या किसी भी संस्था में काम किए हुए हैं, तो यहाँ पे जरूर अपना डिजिग्नेशन डालिएगा, उसके ऊपर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ओके। अगर आपने नहीं किया है तो इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गो टू होम कीजिएगा, आप यहाँ पे आ जाइए और ये देखिए अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। फोटो पे सिग्नेचर पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे, तो ब्राउज़ कीजिएगा फ़ोटो के लिए, और फ़ोटो का साइज़ 200x230 के होने चाहिए, और फ़ोटो का साइज़ जो है 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं सिग्नेचर की बात कर लें तो 140x60 होना चाहिए जो साइज़ है, और उसके बाद जो साइज उसका साइज़ है पूरा टोटल वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए फ़ोटो अपलोड करते हैं इनका। दोस्तों आप देख सकते हैं इनका सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो चुका है फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों ही। ऐसे ही आपको भी अपना फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करके रख लेना है, स्कैन करने के बाद सिग्नेचर और फोटो दोनों को स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करके ये अपलोड फोटो पे क्लिक करना है और अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करना है, ओके। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, तो गो टू होम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही गो टू होम पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे वो भी चेकलिस्ट हो जाएगा फोटो और सिग्नेचर का भी दोनों। अब करना है आपको अपने ईमेल आईडी को वैलिडेट, तो इस पर क्लिक करना है आपको उसके बाद जस्ट, और अपना जो ईमेल आईडी है उस पे जो डाला है आपने इस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो ये आपका ओटीपी जनरेट हो जाएगा, आपके मेल पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, और उस ओटीपी को यहाँ नीचे आके इस पे आपको फिल करके वेरीफाई कर देना है। तो चलिए आप मेल खोल के चेक कर लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए अपना ओटीपी। चलिए तो ये आपका यहाँ पे ओटीपी आ चुका है, और ये ओटीपी मैंने यहाँ पे डाल दिया इनका ईमेल पे, और ये जल्द से जल्द आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होगा कि सर्वर डाउन होगा तो ये आपके मोबाइल पे आपके ईमेल पे ओटीपी आने में टाइम लगेगा। तो जितना जल्दी हो सके इसका फॉर्म आप अप्लाई कर लीजिएगा 25 जुलाई से पहले, ओके। 25 जुलाई अंतिम डेट है, पर उससे पहले कर लीजिएगा, ओके। वेरीफाई पे क्लिक करिएगा यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे वेरीफाइड हो गया, देख सकते हैं आप, वैलिडेट ईमेल आईडी हो गया। अब आपको फाइनलाइजेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको फाइनलाइजेशन पे जाएगा और ये डिक्लेरेशन मांगेगा यहाँ से आपसे, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है और प्रीव्यू कर लीजिएगा एक बार अपना सारा डिटेल। ये देखिए सारा डिटेल आपको प्रीव्यू होके आ जाएगा, एक आपको डाउनलोड करने के लिए भी बोलेगा कि आप पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिएगा, अन्यथा आप इसको प्रीव्यू कर लीजिएगा, ओके। तो ये यहाँ पे डाउनलोड होकर आ जाएगा आपके लिए, और यहाँ पे इसको सेव कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ पे सेव कर लीजिएगा, ये सेव हो जाएगा आपके पास और ये प्रीव्यू भी खुल जाएगा। पर आपको क्या करना है कि यहाँ पे आके फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप नीचे देख सकते हैं सारा डिटेल जो आपने भरा है
वो आपका यहाँ पे फुलफिल हो चुका है दोस्तों, सारा का सारा डिटेल आप भर चुके हैं, और भरने के बाद ये सारा डिटेल आप प्रीव्यू देखने के बाद इसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। ऐसे ही फाइनल सबमिट पे कीजिएगा तो ये आपसे पूछेगा यस और नो, तो यस कर दीजिएगा, यहाँ पे आपका ये पूरा फाइनली सबमिट हो गया। फिर इसको भी आप सेव कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, पर फिर से पूछेगा आपसे तो फिर से आपसे सेव मांगेगा। तो चलो कुछ भी नाम देकर इसको सेव कर लेते हैं, पर आप अपना नाम देकर सेव कीजिएगा कि इस पोस्ट के लिए आपने लेडी सुपरवाइजर के अप्लाई किया था, तो यहाँ पे क्लिक करके उसको सेव कर लीजिएगा। ओके, अब कोई भी आपको डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछिएगा, यहाँ पे सारा डिटेल हम आपको बता चुके हैं कैसे करना है अप्लाई स्टेप बाय स्टेप करके। अब आपको कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा कि सर क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको। तो आशा करते हैं कि आप लोग इन सभी जो डिटेल यहाँ पे दिया गया है इनसे संतुष्ट होंगे, और अगर जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल पे अगर जाते हैं तो एजुकेशन की 86, जी हाँ देखिए एजुकेशन की 86 को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ सब्सक्राइब का ये जो रेड कलर का बटन दिख रहा है आपको, ये देखिए ये जो रेड कलर का बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके, जी हाँ दोस्तों इस पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, हमारे साथ बने रहें इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।